हेलो एवरीवन वेलकम टू इंस्पायर्ड कॉर्नर इन दिस सेशन सेशन वी विल डिस्कस नाउन इन इन इंग्लिश एज एज वेल हिंदी इस में हम संज्ञा की जानकारी प्राप्त करेंगे लेट्स स्टार्ट व्हाट इज नाउन संज्ञा क्या है अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग नाउज आर नेमिंग वर्ड्स नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग किसी व्यक्ति स्थान अथवा वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं नाउस आर नेमिंग वर्ड्स संज्ञा नाम वाले शब्द होते हैं एग्जाम्पल्स उदाहरण कमल राधा शिमला दिल्ली चेयर पेन एक्स्ट्रा टाइप्स ऑफ नाउ संज्ञा के प्रकार देर आर फोर टाइप्स ऑफ नाउन्स संज्ञा चार प्रकार की होती है नंबर वन प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा नंबर टू कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा नंबर थ्री कलेक्टिव नाउन समुदायवाचक संज्ञा नंबर थ्री अबस्टेक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन की बात करेंगे अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड इन इंग्लिश नो मैटर वेयर दे फॉल इन अ सेंटेंस अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति स्थान या वस्तु के नाम को कहते हैं प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज कैपिटलाइज इन इंग्लिश नो मैटर वेयर अ व्यक्ति वाचक संज्ञा का शब्द इंग्लिश भाषा में वाक्य में कहीं भी स्थित हो चाहे वो शुरू में हो या बीच में हो या अंत में उस शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज कैपिटलाइज इन इंग्लिश नो मैटर वेयर दे फार इन सेंटेंस अब हम सबसे पहले इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे देखो पर्सन के उसमें प्रिंसेस कैटे ब्लैक बियर्ड मिस्टर कार्वे और थिंग में बस्टर, जिंजर, ब्रेडमैन, और नॉर्थ स्टार और देखो प्लेस में इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए यहां ब्रोम ऑर्चर्ड विडन पुल और एबर्स्टन पब्लिक लाइब्रेरी अब हम बात कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा की करेंगे आ कॉमन नाउन इज द जेनेटिक नेम फॉर अ पर्सन प्लेस और थिंग इन अ क्लास और ग्रुप अनलाइक प्रॉपर नाउन्स अ कॉमन नाउन इज नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस इट आइदर बिगिंस अ सेंटेंस और अपीयर्स इन अ टाइटल ऑल नाउन्स नेम समथिंग बट प्रॉपर them नेम a common noun इज द जेनेटिक नेम फॉर अ पर्सन प्लेस और थिंग इन अ क्लास और ग्रुप जिस शब्द से किसी जाति के प्रत्येक व्यक्ति स्थान अथवा वस्तु का बोध हो उसे जाति वाचक संज्ञा कहते हैं अनलाइक प्रॉपर नाउंस कॉमन नाउन इज नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस इट बिगिंस अ सेंटेंस और अपीयर्स इन अ टाइटल जैसा कि प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा में वाक्य में उसका शब्द कैपिटलाइज्ड मतलब उस शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होता है ऐसा कॉमन नाउन में नहीं होता अगर कॉमन नाउन सेंटेंस को स्टार्ट कर रही है या टाइटल दे रही है तब इसका फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज होगा ऑल नाउन्स नेम समथिंग बट प्रॉपर नाउन्स नेम स्पेसिफिकली सभी नाउन जितने भी संख्या हैं वो नाम को बताते हैं कुछ ना कुछ ये बताते हैं जो प्रॉपर नाउन्स है जो व्यक्तिवाचक संख्या है वो व्यक्ति विशेष को बताती है कॉमन नाउन्स के एग्जाम्पल देखो अभी कैट दिखाई दे रही है पिक्चर में ये कैट जितनी भी कैट की प्रजातियाँ पूरे संसार में सबको बता रही है मैन फर्नीचर जितना भी फर्नीचर है थिंग्स से सबको बता रहा है फर्नीचर से किसी के घर का भी फर्नीचर हुआ किसी भी ऑफिस का हो सबको फर्नीचर ही हम कहेंगे बॉय एनिमल्स हाउस फ्लावर फ्रूट फ्रूट चाहे कोई भी हो सबके लिए अलग अलग नाम तो नहीं आता फ्रूट ही बोलते हैं ना हम ज़्यादातर अब हम बात करेंगे कोलेक्टिव नाउन की समुदाय की कलेक्टिव नाउन एग्जांपल टीम ग्रुप हर्ड इज अ वर्ड दैट अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग नाउन लुक सिंगुलर बट इट कैन बी ट्रीटेड एज आ कोलेक्टिव नाउन फॉर एग्जाम्पल टीम ग्रुप हर्ड इज अ वर्ड दैट डोनेट्स अ ग्रुप ऑफ अ पीपल और थिंग जिस संख्या से किसी समुदाय का बोध होता है उसे समुदाय वाचक संख्या कहते हैं अ लुक सिंगुलर बट इट कैन बी ट्रीटेड एज मतलब ये सिंगुलर ये सिंगुलर नंबर को दर्शाती है एक चीज को पर ये क्या होती है ग्रुप्स होती है जो बहुत ज्यादा को बताते हैं एक वर्ड बहुत ज्यादा को जैसे अ बैंड ऑफ मेन लोगों का एक बैंड कास्ट ऑफ एक्टर्स ऑफ सेंटेंस ऑफ जजेस अ गलेक्सी ऑफ ब्यूटीज आ बेबी ऑफ गर्ल्स आ चौर ऑफ सिंगर्स हैक ऑफ स्मोकर्स एनिमल्स में भी देखो अ कॉलोनी ऑफ गर्ल्स

कैन ऑफ सोडा अ कार्टन ऑफ मिल्क cup ऑफ टी अब देखियो ये बैंड है तो एक पर ये बहुत सारे लोगों के से बनता है ऐसे जज बहुत सारे उनके जो वाक्य होते गैलेक्सी गलेक्सी क्या है एक आकाश गंगा है। और ब्यूटीज मतलब बहुत सारी सुंदरियों की ऐसे हैंस बहुत सारी मुर्गियों के झुंड फ्लाइट ऑफ बर्ड्स बहुत सारे पक्षियों की का झुंड ऐसे ही जरा सा बॉटल भर के अब, bowl of rice, अब एक चावल का दाना नहीं है खूब सारे चावल हैं और पर वो किस में आ गए एक बाउल में आ गए मतलब ये क्या बताता है एक ग्रुप को जो देखो बाउल एक सिंगुलर है पर बहुत सारे चावलों को बता रहा है ऐसे ही ये हैक एक वर्ड तो बहुत सारे स्मोकर्स को बता रहा है अब बात करेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की भाववाचक संज्ञा की अ नाउन फॉर एग्जांपल गुडनेस और फ्रीडम दैट रेफर्स टू एन आइडिया और अ जनरल क्वालिटी नॉट टू अ फिजिकल ऑब्जेक्ट जिस संज्ञा से किसी वस्तु के गुण कार्य अथवा अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं इससे क्या पता लगता है किसी के गुण दोष का अब देखो कुछ एब कॉमन नाउंस हैं जो हेट नफरत हैटर्ड, नफरत हैटली डिसबिलीव अविश्वास ब्रेवरी वीरता जॉय खुशी इंटेलिजेंट जस्टिस एवल इको एबिलिटी ये क्या है ये भाव को बता रहे हैं भावना को बता रहे हैं जो चीज किसी व्यक्ति स्थान वस्तु की भावना को बताए वो क्या होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी आई होप यू ऑल लाइक माय दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच